आज जो कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया। काफी टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। वो कुछ ऐसे सवाल थे, अगर मैं मिसाल दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया, आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी। इस किस्म के इररेलेवेंट सवालात थे जिनके ऊपर हमने जवाब दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई ही ये सवालात ऐसे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे इतराजात थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि आपने अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों कराए, यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूं, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। उनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज्ड हो, जब एक ही कैंडिडेट हो तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज्यादा कैंडिडेट हों। तो इस तरह के सवालात थे जिनके जवाब दिए, बार बार सवाल इसी टाइप के आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटिंग की, उनके जवाब लिखे, देखे, सवालात पूछे और इवेंचुअली ये सुनने के बाद रिजर्व कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हमने पूछा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने सवालात पूछे, कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं, क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका जो उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था, उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के, वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया, उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत खास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है। अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आईन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था, वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज उठाने और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, दो दिन रह गए हैं, शायद एक दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें, जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें।
और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है, अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है, यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी ये क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है, हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया, कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तेदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है, आप बराहे मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स है उनकी एंजाइटी खत्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है, मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, यह भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की, वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले पहले कंक्लूड कर ले। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा तो हमें अभी भी उम्मीद है, और हमें उम्मीद का हमेशा से और इतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली जफर साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ना करे ऐसा। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को, हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने, देखो ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है, यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी ये क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है, हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया, कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तेदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है, आप बराहे मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स है उनकी एंजाइटी खत्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है, मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, यह भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिस्टिमेटिसी भी आप इलेक्शन की, वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले पहले कंक्लूड कर ले। आपको लगता है कि आपको बल्ले का निशान मिल जाएगा, और आपने क्या हिकमत
असेंबली अपना रखी है, क्योंकि पीटीआई का इतना ज्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टोन तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है और हमें उम्मीद का हमेशा से और इतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये अवाम का बुनियादी हक है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली जफर साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ना करे ऐसा। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान जो हैं, अपनी स्ट्रेटजी जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। जी सर, चेयरमैन पीटीआई साहब ये बताइए कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने जिस तरह के दलाइल रखे, उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखो, वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को, हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगी। सर, एक ही रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है, आप क्या समझते हैं एक टाइम पे दोनों की तरफ से ये मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ है कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रूआउट सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, 7 पिटीशनें हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी, बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप आरओज और डीआरओज को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पर इतमाद करेंगे, जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिस केयर टेकर सेटअप, इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे, ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसपेर जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला ऐसे इकदाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। आपने इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ए पॉजिटिव ही समझे आप, इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोगों पे नादरा ने और कोई क्वेश्चन? वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन की है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप जुडिशियल अफसर को आरओज और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके सीएनआईसी को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने कर सकते हैं, और इनके अदरवाइज भी सीएनआईसी ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की। नहीं, टिकटों के मामले पर देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलो, काफी मुश्किल सवालात के जवाब आपने अंदर दिए, मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिस तरह आपने सवाल पूछा उसी मद में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था, वो कुछ ऐसे सवाल थे, अगर मैं मिसाल दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया, आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी, इस किस्म के इररेलेवेंट सवालात थे
जिनके ऊपर हमने जवाब दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई ही ये सवालात ऐसे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे इतराजात थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि आपने अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों कराए, यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूं, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। उनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज्ड हो, जब एक ही कैंडिडेट हो तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो। अच्छा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने सवाल पूछे कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं, क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका जो उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था, उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया, उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत खास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आईन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था, वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज उठाने और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, दो दिन रह गए हैं, शायद एक दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें, जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि ये फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है, अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है, यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का तो उसका भी ये क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है, हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया, कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तेदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है, आप बराए मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले
ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स है उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लिजिटिमेसी का सवाल है, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लिजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है तो लेजिस्टिमेटिसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले पहले कंक्लूड कर ले। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा तो हमें अभी भी उम्मीद है और हमें उम्मीद का हमेशा से और इतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली जफर साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ना करे ऐसा। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को, हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान जो हैं अपनी स्ट्रेटजी जो हैं उनको मुस्तहकम रखें। जी सर, चेयरमैन पीटीआई साहब ये बताइए कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने जिस तरह के दलाइल थे उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखो वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। सर, एक ही रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है, आप क्या समझते हैं एक टाइम पे दोनों की तरफ से ये मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ है कि 8 तारीख को हो और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, 7 पिटीशनें हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी, बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप आरओज और डीआरओज को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है वो मैटर को रखा हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट पर इतमाद करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिस केयर टेकर सेटअप इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे, ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसफर जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला ऐसे इकदाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ए पॉजिटिव ही समझे आप, इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोगों पे नादरा ने और कोई क्वेश्चन? वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन की है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप ज्यूडिशियल अफसर को आरओज और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके सीएनआईसी को ब्लॉक भी किया हुआ फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने कर सकते हैं और इनके अदरवाइज भी सीएनआईसी ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की। नहीं, टिकटों के मामले पर देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलो साहब, काफी मुश्किल सवालात के जवाब आपने अंदर दिए, मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिस जिसका आपने सवाल पूछा
उसी मद में बहुत सारे सवाल थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर 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 सर, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई अंडे वाला कोई जवाब नहीं है।